नमस्कार, मी अनिल जाधव. तुम्ही बघताय आपलं अॅग्रोवन. आता आपली तूर 1 ते 1.5 महिन्यामध्ये काढणीला येईल. निश्चितच नुकत्याच झालेल्या पावसानं तुरीचं मोठ्या प्रमाणात नुकसान सुद्धा केलंय. हरभरा पेरणी सुद्धा दुसरीकडे सुरू आहे, परंतु आताच जर आपण एक आढावा घेतला तर हरभऱ्याची पेरणी सुद्धा जवळपास 10.5% गेल्या वर्षीपेक्षा कमी दिसते. आता हरभऱ्याची पेरणी आणखीन काही दिवस चालेल. साहजिकच जो काही पाऊस झाला, अवकाळी पाऊस, त्यामुळं हरभऱ्याची पेरणी वाढू सुद्धा शकते. पण इथं शेतकऱ्यांना एक प्रश्न आहे की आता आमच्या तुरीचं एवढ्या मोठ्या प्रमाणात नुकसान झालंय. आता तुरीचा भाव 10,000 रुपये, पण जेव्हा आमची तूर हातामध्ये येईल तेव्हा तुरीचा भाव नेमका काय राहू शकतो? पुढच्या काळामध्ये आम्ही तूर ठेवावी का विकावी? आता हरभऱ्याचे भाव सुद्धा काही बाजार अनेक बाजारांमध्ये 6,000 दरम्यान आहे. मग हा भाव 6,000 रुपये भाव हरभऱ्याला जेव्हा आमचा बाल बाजारात येईल तेव्हा टिकून राहील का? हे असे सगळे प्रश्न हरभरा आणि तूर ह्या महत्वाच्या दोन पिकांबाबत आता सध्या शेतकऱ्यांमध्ये आहेत. याच प्रश्नांवर आज आपण चर्चा करणार आहोत आणि आज आपल्यासोबत चर्चेत सहभागी झालेले आहेत अॅग्रन इंडियाचे संचालक राहुल चव्हाण सर. सर, आपका स्वागत आहे अॅग्रॉनमध्ये. नमस्कार जी, सभी किसान भाइयों को मेरा नमस्कार. मैं राहुल चव्हाण, अॅग्रन इंडिया से. सर जी, पहला क्वेश्चन यही है कि अभी हम लोग तूर का जो रेट है वो 10,000 रुपये देख रहे हैं मंडियों में, तो क्या लगता है कि अभी महीना 1.5 महीने में फार्मर का माल चालू हो जाएगा तो क्या ये रेट सस्टेन होंगे? देखिए, तुअर की कीमतों की अगर आप बात करते हैं तो सबसे पहले मैं बिजाई के बारे में बताना चाहूँगा. लास्ट ईयर से बिजाई घटी है और जो तुअर उत्पादक क्षेत्र जो खासकर महाराष्ट्र और कर्नाटक है वहाँ पर बिजाई के बाद भी बारिश नहीं हुई. अगस्त में एकदम सूखा पड़ा तो उससे उत्पादकता पर असर पड़ा. और अभी जो रिसेंटली जो कुछ क्षेत्रों में बुलडाना है, खामगांव है और महाराष्ट्र के ऐसे क्षेत्र हैं वहाँ पर लगातार बारिश हो रही है, तो इससे फसल को नुकसान का दायरा बढ़ सकता है. और अभी भाव की अगर आप बात करें तो भाव देखिए, भाव 10,000 से ऊपर चल रहे हैं और मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं है कि वो 10,000 से नीचे आएंगे, जिसके कई कारण हैं. एक उत्पादक घटना, उत्पादकता घटना, विदेशों से बड़ी मात्रा में इम्पोर्ट ना होना. मोजाम्बिक ने अभी कुछ मोजाम्बिक के साथ इश्यू चल रहा है, इंडिया का इम्पोर्ट वहाँ से नहीं हो पा रहा. और जो म्यांमार की क्रॉप है वो अभी जैन के बाद इंडिया में आएगी, तब तक इंडियन क्रॉप भी आ जाएगी. तो अभी हाल फिलहाल में मुझे कुछ मंदा नहीं दिखाई दे रहा और कीमतों में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है. और लास्ट ईयर से अगर आप कंपैरिजन करते हैं तो तुअर की कीमतें अब तक जो हैं 40% बढ़ चुकी हैं. 50% हो चुकी थी लेकिन अब वो 40% आ चुकी हैं. तो इस बार किसानों ने तुअर में काफ़ी, चना में, उड़द में काफ़ी अच्छा पैसा, मतलब मुनाफा कमाया है. और मुझे लगता नहीं भविष्य में कीमतों में कुछ, खासकर तुअर की कीमतों में गिरावट आएगी. मतलब फार्मर एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जब उनका माल मंडियों में आएगा, उनके हाथ में माल आएगा, तब उनको ये रेट मार्केट में मिल सकता है? हाँ, आराम से मिलेगा सर, बिल्कुल. बिकॉज अभी सप्लाई साइड की अगर बात करता हूँ तो सप्लाई साइड की अगर बात कर रहे हैं, जो प्रोडक्शन हर 4 साल से मैं देखा है कि प्रोडक्शन जो है इंडिया में तुअर का लगातार घटता जा रहा है. तो वो सप्लाई और डिमांड का गैप जो है वो बढ़ता जा रहा है. ये शोकर बना है कि इंडियन गवर्नमेंट ने अफ्रीकन गवर्नमेंट के साथ बातचीत की, म्यांमार के साथ बातचीत की, अन्यथा भी इंडिया में बहुत बुरी पोजीशन हो जाती. और सरकार पूरा प्रयास कर रही है उपभोक्ताओं के एंड पे की कीमतें एक लेवल, एक स्तर से ऊपर ना जाएं. परंतु किसानों की अगर मैं बात करता हूं तो किसानों को इस बार काफी अच्छा लाभ मिला है और मुझे लगता है कि भविष्य में तुअर की कीमतों में गिरावट आ सकती है. जो भी माल आएगा वो हाथों हाथ बिकेगा और मिलर्स भी खाली बैठे हैं, तो जल्दबाजी में माल ना बेचें. अच्छी क्वालिटी का माल जो है वो अपने पास रखें और जो लो क्वालिटी का माल है वो जल्द से जल्द निकालने की कोशिश करें. जी सर. अभी सर हम लोग अगर तुअर की बात करेंगे, गवर्नमेंट का जो कॉन्फिडेंस रहता है वो हमेशा, मतलब पिछले साल भी हम लोगों ने देखा कि इम्पोर्ट के ऊपर ज्यादा, क्योंकि और डोमेस्टिक मार्केट में जो भी गैप है सप्लाई साइड से, तो गवर्नमेंट को लगता है कि शायद हम लोग वहां से फुलफिल कर सकते हैं. गवर्नमेंट ऐसा दावा भी बहुत बार कर चुकी है. तो अभी आपने तो बोला, लेकिन हम लोगों को विस्तृत में ये जानना है कि अभी जो अफ्रीकन कंट्रीज है और म्यांमार का है, तो उनका जो माल है वो हमारे यहाँ पे कब तक आ सकता है इंडिया में? और वहाँ का एक मोजाम्बिक का भी आपने एक जिक्र किया है यहाँ पे, तो मोजाम्बिक का एक इशू क्या है, वो सवाल हो सकता है क्या? देखिए, मोजाम्बिक का ओवरऑल एक कमर्शियल इशू है जो किसान के पोर्टल पे नहीं डिस्कस करना चाहिए. छोटा सा एग्जांपल बता दूं कि इंडिया ने गवर्नमेंट के साथ में कुछ एमओयू साइन किया था, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, कि वो 2 लाख टन से ऊपर इंडिया को, मतलब इंडिया उनसे 2 लाख टन तूर खरीदेगा. 2 लाख टन से ऊपर करीब हम लोग 2.35 लाख टन इम्पोर्ट कर चुके हैं. तो वहाँ जो लोकल फार्मर्स हैं, जो लोकल निर्यातक हैं, उनका यह कहना है कि जब एमओयू 2 लाख टन का साइन हुआ है तो आप ज़्यादा क्यों भेज रहे हैं, और उन्हें
व्यापारिक नुकसान हो रहा है, इस वजह से वहां से शिपमेंट्स रुकी हैं। इंडियन गवर्नमेंट लगातार बात कर रही है और जल्दी ये मसला जल्द सॉल्व होगा, क्योंकि इंडिया जो है तो उनका प्रमुख खपतकर्ता देश है, आयातक देश है। जी अभी क्या सर, क्या लगता है कि ये जो इंपोर्ट होगा, मतलब हमारे पास जो भी जानकारी आई तो ऐसा हो सकता है कि मतलब जो अभी ये करार हुए, सौदे हुए, वो 6-7 हजार प्रति टन प्रति क्विंटल से हुए, तो आने वाले दिनों में ये जो इंपोर्टेड तुअर है उसका प्राइस हम लोग क्या देख सकते हैं इंडिया में? देखिए इम्पोर्टेड प्राइस वही 10,000 से ऊपर चल रहे हैं और मुझे लगता है 10,000 से नीचे आएंगे। अफ्रीकन जो है 9,500 से ऊपर ही है, 10,000 के आसपास ही है, तो कीमतों में वहाँ भी गिरावट नहीं आएगी। देखिए सभी को मालूम है इंडिया को तुअर की जरूरत है, दालों की जरूरत है, और केवल 2-3 देश ही ऐसे हैं अफ्रीका में और म्यांमार जो सप्लाई करते हैं, तो वो रेट नहीं घटाएंगे। जी सर, सर बीच में आपने भी एक खबर मतलब आपके तरफ से आई थी, आपने उस पर अपनी राय भी रखी थी कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया और ब्राजील के साथ में तुअर के प्रोडक्शन के बारे में कुछ एक पड़ताल कर रहे हैं कि शायद वो कंट्री प्रोडक्शन करे, तो हम फार्मर लोगों को ये भी जानना है कि भाई इसमें कुछ आगे हो सकता है क्या? देखिए सरकार की ओर से भरकर प्रयास है, मैं आपको पहले भी बताया, जितना देखिए उनके प्रयास की हमें प्रशंसा करनी चाहिए कि जो आम नागरिक है हमारा उस तक मतलब एक अच्छे भाव पर, नॉर्मल भाव पर उसको सप्लाई मिलती रहे, सप्लाई में कोई दिक्कत ना आए, ये सरकार की मैं प्रशंसा करना चाहूँगा इस चक्कर में। और दूसरी बात, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया और जो भी कंट्रीज में, अफ्रीकन कंट्रीज में तुअर की, तुअर है, उड़द की बात हो रही थी, वो एक अच्छी पहल है, लेकिन इसको मतलब एक अगर ये सफल हुआ प्रोग्राम तो कम से कम इस पर 5 साल लगेंगे एक अच्छा प्रोडक्शन आने में, क्योंकि वहाँ किसानों को समझाना है, क्लाइमेट कंडीशन देखनी है, पानी की क्या व्यवस्था है, कितना फर्टिलाइजर चाहिए, कितना उनको सिखाना पड़ेगा हमें, तो उस साइकिल में बहुत टाइम लग जाएगा। देखिए सोयाबीन के मामले में इंडिया में सोयाबीन कभी होती नहीं थी, बाहर से सोयाबीन आई, धीरे धीरे प्रोडक्शन देखिए अब 100 लाख टन से ऊपर जा चुका है, 120-130 लाख टन पहुंचा, तो ठीक वैसे वहाँ होगा। और इन जिन कंट्रीज की आप बात कर रहे हैं ये एक शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप है पल्सेस की, और जिन कंट्रीज की आप बात कर रहे हैं वहाँ पर सोयाबीन का बहुत अच्छा उत्पादन होता है, और अगर भविष्य में विश्व में सोयाबीन की कीमतें बढ़ती हैं तो वो किसान नहीं करेगा अपना पल्सेस का नहीं जाएगा। बिल्कुल सर, मतलब फिलहाल हम लोग फार्मर ये उम्मीद लगा सकते हैं कि हमें भी 10,000 रुपए इस टाइम पे मिलेगा, क्योंकि लास्ट सीजन में तो हमें 6,000 के ऊपर रेट नहीं मिला था। सर अभी हम लोग चना के ऊपर जाते हैं कि अभी चना का सोइंग तो फिलहाल स्टार्ट है, लेकिन हम लोगों ने देखा कि अनएक्सपेक्टेडली चना में भी तेजी आई थी, तो क्या लगता है कि आपको कि चना का रकबा बढ़ सकता है, सोइंग बढ़ सकती है, और आने वाले दिनों में इसका क्या असर पड़ सकता है? देखिए चना का रकबा अभी जो आज जो आंकड़े आए हैं उसके हिसाब से लास्ट ईयर से करीब 4.5 लाख हेक्टेयर कमजोर है चना की बिजाई, और चना के जो प्रमुख उत्पादक राज्य हैं जिसमें महाराष्ट्र भी है, राजस्थान भी है, एमपी भी है, एमपी को छोड़कर महाराष्ट्र और राजस्थान दोनों में चने की बिजाई में भारी गिरावट देखी गई है। महाराष्ट्र में चना की बिजाई 4.5 लाख हेक्टेयर लास्ट ईयर से कम है, राजस्थान में भी करीब 2.9 लाख हेक्टेयर कम है, लेकिन एमपी में 1.6 लाख हेक्टेयर अधिक है। ये तीन बड़े उत्पादक राज्य हैं, गुजरात में भी कमजोर है। तो अभी क्या हुआ है कि जो मुझे समझ में आ रहा है कि राजस्थान में क्यों घटा एरिया, क्योंकि राजस्थान में इसलिए घटा कि गेहूं की कीमतें, जीरा की कीमतें, धनिया की कीमतें, जौ की कीमतें वो लास्ट ईयर मतलब एक रिकॉर्ड लेवल पर पहुंच गई थी, उस अनुपात में चना की कीमतें नहीं पहुंच पाई, तो किसानों का जो रुझान था चना की ओर थोड़ा कम रहा, गेहूं की तरफ और अन्य फसलों की तरफ अधिक रहा, तो राजस्थान में ये कारण मानता हूं। एमपी में जो है कुछ एरियाज में जहां पर बारिश नहीं हुई थी तो वहां पर चना की बिजाई अवश्य बढ़ी है, क्योंकि चना को नमी की मात्रा कम पड़ती है, लेकिन अगर आप महाराष्ट्र और कर्नाटक की बात करते हैं तो वहां कई क्षेत्रों में मतलब बारिश जो है वो एवरेज भी नहीं हो पाई, एवरेज से बिलो नॉर्मल रही, तो वहां भी नमी की मात्रा बिल्कुल थी नहीं, तो इस वजह से किसानों ने चना वहाँ चना की बिजाई नहीं कर पाए। जी अभी सर हम लोगों ने देखा कि जैसे चना के प्राइसेस मार्केट में बढ़ी तो वैसे नाफेड़ पिक्चर में आया, स्टॉक में से चना बहुत बार बेचा, लेकिन उसका असर हमें मार्केट में ज्यादा देखने नहीं मिला, तो पहली बात इसका एक रीजन क्या है, और आने वाले दिनों में अगर हम लोग चना का सोई गया, फिर ऐसे भी रिपोर्ट आ रहा है कि आने वाले दिनों में जो टेम्परेचर ज्यादा रह सकता है, पानी की कमी भी महसूस हो सकती है, तो प्रोडक्शन हम लोग कैसा देख सकते हैं इस बार, और नाफेड़ का एक प्रेशर रहेगा क्या मार्केट पे?
देखिए सिंपल सा फंडा है, प्रोडक्शन का एरिया घटा है तो प्रोडक्शन तो घटेगा ही, बिल्कुल ठीक है। उत्पादकता पर अभी मुझे असर नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि कई क्षेत्रों में, राजस्थान में, गुजरात में, एमपी में भी बारिश हुई है, वो चना की फसल के लिए अच्छी है बारिश इस टाइम। लेकिन अगर वो बारिश लंबी हुई तो जो अंकुरण है खेत में, जो बीज, जो जो फसल बाहर आ चुकी है उसको तो फायदा होगा, लेकिन जो जी जमीन में है जो अंकुरित हो रही है वो पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा। उत्पादन ना उत्पादकता में अभी फिलहाल कोई ना कुछ जल्दबाजी होगा, लेकिन ओवरऑल उत्पादन में गिरावट आ सकती है, उत्पादकता सही रह सकती है, एरिया घटा है तो उत्पादन में भी गिरावट आएगी। और नेफेड ने, सरकार ने जो पिछले साल एक अच्छी मात्रा में चना की खरीद की थी, वो एक बहुत अच्छा प्रयास था, क्योंकि उस टाइम चना के भाव 4,800 के आसपास, 5,000 के आसपास चल रहे थे, और उन्होंने एमएसपी पे खरीद की। किसानों ने भी सरकार का पूरा साथ दिया और एक बड़ा विशाल स्टॉक बन के आया हमारे सामने, जिसको सरकार ने समय समय पर विभिन्न स्कीमों में, भारत दाल स्कीम जैसे, वो जनता को देने का प्रयास किया ताकि उन्हें कम भाव पर चना मिल सके। और जो बिडिंग की इस बार नेफेड द्वारा, वो करीब 6,000 से ऊपर की है, प्रति क्विंटल से ऊपर की है, जो एक अच्छी बिक्री भाव बोलते हैं। इस वजह से चना की कीमतों में तेजी आई है। जो लास्ट फरवरी 2023 में बिडिंग होती थी वो 4,500 से 4,800 के बीच में होती थी, और उस वजह से भाव नहीं बढ़ पाते थे। तो इस पर नाफेड ने बहुत अच्छा कदम उठाया कि जो बिडिंग, जो टेंडर पास किए वो 6,000 से ऊपर किए, इससे बाजारों को समर्थन मिला और किसानों को भी समर्थन मिला है। मुझे याद है कि लास्ट ईयर में इसी समय के दौरान चना की कीमतें 4,800, 4,600 से 4,800 के आसपास चल रही थी, और किसान बहुत परेशान था और उनका लागत का भी कॉस्ट नहीं मिल रहा था। तो अभी जो कीमतें हैं वो काफी अच्छी लेवल पे 6,000 से ऊपर चल रही है लगभग सभी मंडियों में, दिल्ली में 6,250, 6,230 चल रही है, जो एक अच्छे भाव में मानता हूँ चना के। तो भविष्य में मुझे लगता नहीं, और जो अब सरकारी स्टॉक है वो एक हमारे लिए वरदान बन के आया, मुसीबत में कुछ भी हो सकता था, क्रॉप कम आती या जो भी था, भाव ज्यादा बढ़ जाते तो फिर सरकार उसकी सरकार हेल्प नहीं कर पाती। तो देखना होगा अभी लास्ट, अगर ये अभी तो भाव हम इसकी से जो है अच्छे ट्रेंड कर रहे हैं, ये ट्रेंड अगर जारी रहा तो फिर भविष्य में किसानों को चना के भी अच्छी कीमतें मिल सकेंगी। और नाफेड ने अभी तक एक काफी अच्छी क्वांटिटी में चना बेचा है, और धीरे धीरे स्टॉक कम हो रहा है, और जैसे जैसे उनका स्टॉक कम होगा चना बाजारों में कीमतों में और समर्थन मिलता रहेगा। जी ऊपर सर, से उसके ऊपर से बिजाई कम है, उत्पादकता भी, अगर उत्पादन कम आता है तो फिर ऑटोमेटिकली हमें किसान भाइयों को अच्छे भाव मिल सकते जी मतलब तो हैं। सर थोड़ा सा हम लोगों को सिर्फ यही जानना है कि अभी क्या हुआ कि महाराष्ट्र में भी बारिश की कमी है, तो एक चना का रकबा मतलब फार्मर ने जो प्रेफर किया वो चना को ही किया है, तो अभी चना का क्रॉप थोड़ा सा बिजाई पूरी हो चुकी है कुछ एरिया में, तो हम लोगों को सिर्फ ये जानना है कि जब हमारा चना मार्केट में आएगा तो हम लोगों को क्या रेट मिल सकता है, मतलब आप क्या रेट मिल सकता है। देखिए चना 6,000 से ऊपर ही रहेगा, चना अच्छा के भाव जो हैं 6,000 से ऊपर ही रहेंगे। मैं वही बताया आपको, जैसे देखिए प्रोडक्शन क्या आता है, मौसम की क्या मार पड़ती है, सारे सारी चीजों, सारा दारोमदार मौसम पर डिपेंड करता है। अगर जी अच्छी बारिश हुई, मौसम प्रतिकूल रहा और गर्मी ना पड़ी, जब वो चना काटते टाइम अगर गर्मी पड़ती है तो दाना छोटा हो जाता है, अगर वो कुछ नहीं हुआ सामान्य रहा तो जो है हमें अच्छा क्वालिटी मिलेगी, और भाव जो है मौसम ही निर्धारित करेगा, यह हम नहीं कर सकते निर्धारित। बिल्कुल बिल्कुल सर, लास्ट क्वेश्चन यही है कि अभी तुअर और चना हम दोनों कम्युनिटी के पूरा विश्लेषण आपने दिया, आप फार्मर्स को क्या अपील करना चाहेंगे तुअर और चना के फार्मर्स को। देखिए मैं एज ए नागरिक अगर बात करूं तो किसानों को अधिक से अधिक मात्रा में चना की, तुअर की बिजाई करनी चाहिए, क्योंकि ये नेशनल फूड सिक्योरिटी के तहत भी आता है, और हमें बड़ी मात्रा में डॉलर का इस्तेमाल करना पड़ता है दालों को इंपोर्ट करने में। और सरकार से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर इस वीडियो के माध्यम से बात पहुंचती, कि जो किसान दलहन के प्रति जिनकी जिनकी दिलचस्पी खत्म हो चुकी है, कृपया उसको वापस लौटाएं, और किसान जो है वही एक ऐसी ताकत है हमारे देश में जो कुछ भी कर सकता है, कुछ भी पलट सकता है, और किसानों के हाथों में ही है सब कुछ। और मैं तो यही चाहूंगा कि देश में जो है पल्सेस का उत्पादन बढ़े, और जो हमारी आत्मनिर्भरता है वो भारत उस मुकाम पर पहुंच जाए कि हमें दूसरे देशों के सामने हाथ ना फैलाना पड़े।
जी सर, आता 54 सरांनी आपल्याला तूर आणि हरभरा या दोन पिकांच्या बाजार भावाविषयी एक मार्गदर्शन केलं. सरांनी एक खूप छान पैकी म्हणजे शेतकऱ्यांना दिलासादायक असाच अंदाज दिला की तूर शेतकऱ्यांना सुद्धा तुरीसाठी 10,000 रुपयांचा भाव मिळू शकतो आणि हरभऱ्याचा भाव आपल्याला 6,000 रुपयांच्या दरम्यान पाहायला मिळू शकतात. चव्हाण सरांनी आपल्याला आज वेळ दिला आणि आपल्या सगळ्या प्रश्नांची उत्तरं दिली, त्याबद्दल आपण त्याचे आभार व्यक्त करूया. सर आपने हमें टाइम दिया, अपना व्हॅल्युएबल टाइम दिया और हम सब लोगों के जो क्वेश्चन्स थे मन में, जो हमें एक थोड़ा सा डर था कि भाई आने वाले दिनों में हमें क्या रेट मिलेगा, उसके आपने बहुत अच्छे से उत्तर भी दिए. धन्यवाद सर. नमस्कार किसान भाइयों, नमस्कार, आपकी सेवा में ऐसी जारी रहेंगे. नमस्कार, थैंक यू सर.